राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से अब गैस चैम्बर बन चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिवाली के बाद छठ और छठ के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि छठ के अगले दिन से आप देख सकते हैं किस तरीके से राजधानी दिल्ली का जो आज की अगर एयर क्वालिटी की बात करी जाए तो वो बेहद खराब हो चुकी है। और इसी कड़ी में वसंत कुंज वार्ड 69S के निगम पार्षद मनोज महलावत अपने SDMCO के कर्मचारियों के साथ पानी का छिड़काव करते हुए नजर आए। जी हाँ, वसंत कुंज एक ग्रीन बेल्ट इलाका है और जहां पर देखा जाए तो यहां पर सबसे ज़्यादा पेड़ लगे हैं। और पेड़ों पर जिस तरीके से, क्योंकि धूल मिट्टी जम चुकी है और पटाखों की वजह से, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो पटाखे फोड़े गए दिवाली में और छठ के दिन, उसके बाद जो एयर क्वालिटी है वो बेहद ख़राब हो चुकी है। और इसी वजह से मनोज महलावत आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से जो है हाथों में पाइप लेकर पानी की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहां पर पूरी तरीके से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की जो कवायद है वो चल रही है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पानी का जो छिड़काव वो किया जा रहा है लगातार। जिस तरीके से आपको बता दें राजधानी दिल्ली की जो हवा है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार जो है पड़ोसी राज्यों के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ती है कि पराली की वजह से इस तरीके का जो दिल्ली का हाल है वो पराली की वजह से हुआ है, कि हरियाणा पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से राजधानी दिल्ली की ये हवा जो है वो ख़राब हुई है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली के लोगों की भी कहीं ना कहीं इस बार दीपावली में भागीदारी जरूर रही, क्योंकि पटाखों पर जिस तरीके से रोक लगाई गई तो उसके बावजूद भी जमकर आतिशबाजी राजधानी दिल्ली में हुई, जिसके बाद जो आबो हवा है वो बेहद ख़राब हुई। वहीं दिल्ली सरकार भी लगातार जिस तरीके से जो है स्मोक जो है वो करा रही है, जो स्मोक गैन होती है उसके द्वारा लगातार जो है छिड़काव कराया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली का जो वसंत कुंज इलाका है, क्योंकि साउथ दिल्ली के इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी इस तरीके से पानी का छिड़काव जो है वो नहीं हो रहा है। वहीं वसंत कुंज के वार्ड के निगम पार्षद मनोज महलावत अपने क्षेत्र में लगातार इस तरीके का कार्य करा रहे हैं जिससे कि यहाँ के रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि खास तौर पर देखा जाए बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में, क्योंकि आंखों में जलन भी हो रही है, साथ ही साथ जो सांस लेने की दिक्कत हो वो भी हो रही है। और उन्हीं से निजात दिलाने के लिए मनोज महलावत के द्वारा इस तरीके से पानी का जो छिड़काव है वो पूरे वार्ड में कराया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज की, जहाँ वार्ड 69S के निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा पानी का छिड़काव जो है वो कराया जा रहा है।